आप पार्टी पंचकुला की जिला अध्यक्ष निपुण कपूर ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश आधारित मुद्दों पर आगामी विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी और आप पार्टी द्वारा आपका परिवार नामक अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर 12, 13, 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा और इस शिविरों में पूरे राज्य के वॉलंटियर्स को भी बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में हरियाणा के मामलों पर भी बात होगी, बात कर मामलों को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर्स को तैयार किया जाएगा। निपुण कपूर ने योगेंद्र यादव द्वारा नई स्वराज पार्टी बनाने को लेकर योगेंद्र यादव को दी शुभकामनाएं। वही निपुण कपूर ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के लिए जिसने जीवन दान दे दिया उसके लिए ऐसी टिप्पणी गलत है। कैप्टन अजय यादव के कांग्रेस में वापसी पर निपुण कपूर ने कहा कि ये कैप्टन का व्यक्तिगत फैसला है। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है वो सब लोगों से इसे शेयर करने के लिए करी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर रही है और इसके लिए बहुत जल्दी 12, 13, 14 अगस्त को हम लोग एक ट्रेनिंग शिविर बुला रहे हैं जिसमें पूरे राज्य के वॉलंटियर्स को बुलाया जा रहा है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरे हरियाणा में जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत करके हमारे जो कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा कि उन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करा जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों ने आपका परिवार नामक एक ड्राइव शुरू करी है आज से, जिसमें जितने हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो कार्यकर्ताओं के घर में जाएंगे, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे कि दिल्ली में क्या काम हो रहा है, हरियाणा में किस किस मुद्दों पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट करी है और लोकल लेवल के ऊपर लोगों के लिए क्या क्या काम करे जा रहे हैं। सेशन के पहले दिन ही हम करना चाहते हैं, पिछले करीब 6 से 7 हफ्तों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। पेंशन का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, व्यापारियों का मुद्दा हो गया या भर्ती में घोटालों का मुद्दा हो गया, इन सब मुद्दों पे हमने जवाब मांगा था सरकार से, जिसके बारे में हमें कोई जवाब नहीं मिला, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम पहले दिन ही घेराव करके सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे। कैमरा पर्सन जसवीर के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।